इस वीडियो में हम शीट सेट मैनेजर के बारे में सीखेंगे। अगर आप शीट सेट मैनेजर को एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने व्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपने पैलेट्स पैनल में आना है। यहाँ पर हमारे पास जो है शीट सेट जो मैनेजर है वो मौजूद है। दूसरा जो तरीका है शीट सेट मैनेजर को एक्सेस करने का, वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से SSM यानी जो शीट सेट मैनेजर है ऑटोकैड के अंदर, वो आप शॉर्टकट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। SSM को टाइप करने के बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर करें तो इस तरह आपके पास जो है शीट सेट मैनेजर की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास दो ड्राइंग है, एक नट के नाम से जिसमें हमारे पास एक नट मौजूद है और इसके हमारे पास तीन लेआउट मौजूद है A4, A3, A5। और इस तरह दूसरी ड्राइंग है हमारे पास बोल्ट, बोल्ट के भी हमारे पास तीन लेआउट है A4, A3 एंड A5। अब अगर आप इन लेआउट्स को या जो ड्राइंग्स है आपके पास जो शीट्स है आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक तरीके है कि आप इन जो हमारे पास शीट्स है इनको अलग अलग आप प्रिंट करें, जो कि एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अपने टाइम को बचाने के लिए और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसके लिए हम शीट सेट मैनेजर जो है वो यूज करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आप जो शीट सेट मैनेजर है इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसमें हमारे पास जो है तीन ऑप्शन मौजूद है, रिसेंट, न्यू शीट सेट एंड ओपन। अगर आपके पास कोई पहले से कोई शीट सेट मैंने जो शीट सेट है वो मौजूद है तो आप यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई न्यू शीट सेट जो है वो बनाना चाहते हो, आप यहाँ से न्यू शीट सेट के ऊपर क्लिक करें। हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, क्रिएट शीट सेट। ठीक है, क्रिएट अ शीट सेट यूजिंग एन एग्जाम्पल शीट सेट एग्जिस्टिंग ड्राइंग। तो मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने जो है नेम जो है वो टाइप करना है शीट सेट का, तो यहाँ पर मैं टाइप लेता हूँ SSM या माई शीट। इसके बाद फिर आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखने हैं जो कि ऑप्शनल है, या फिर मैं लिख दिया हूँ नट नट एंड बोल्ट ड्राइंग्स। इसके बाद फिर आपने यहाँ से लोकेशन जो है वो सेट करने, जहाँ पर आपने जो शीट सेट है जो डेटा फाइल है शीट सेट की वो आपने जहाँ पे स्टोर करना है वो लोकेशन आपने यहाँ से सेट करना है। इस तीन डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस टैब के ऊपर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है SSM के नाम से, इसके ऊपर मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो है जहाँ पे हमने फाइल को स्टोर करना है वो लोकेशन हमारे पास सेट हो चुकी है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर ले। अब वो फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके पास जो ड्राइंग जिस शीट के आपने प्रिंट देना है, तो आप ऐसे ब्राउज के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद फिर आप हमारे पास जो SSM फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास दो ड्राइंग मौजूद है नट एंड बोल्ट के नाम से, तो आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करें। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर आप इसे हमारे पास जो SSM फोल्डर के अंदर हमारे पास जो दो ड्राइंग मौजूद है बोल्ट, इसके हमारे पास तीन लेआउट है, और नट इसके भी हमारे पास जो है तीन लेआउट जो है मौजूद है। अगर आप कोई इसमें से कोई ड्राइंग प्रिंट करना नहीं चाहते यानी आपके रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे अनचेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं A5 की जो बोल्ट ड्राइंग है वो मैं प्रिंट करना नहीं चाहता, आप यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर आप इस सारे लेआउट को आप प्रिंट करना नहीं चाहते, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है सारे अनचेक हो जाएंगे। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे इसको चेक कर ले। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप ये हमारे पास जो प्रीव्यू है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप फिनिश कर ले। तो हमारे पास जो है शीट सेट में जो विंडो है हमारे पास वो सारे शीट्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके पब्लिश, यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ ऑप्शंस मौजूद है, आप पब्लिश के ऊपर आ जाएं। पब्लिश में हमारे पास जो है मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है, पब्लिश टू DWF यानी ये वेब फॉर्मेट है, ठीक है, ड्राइंग वेब फॉर्मेट, उस तरह हमारे पास ये भी एक फॉर्मेट है, और पब्लिश टू DWPDF। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ शीट सेट PDF पब्लिश ऑप्शंस, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ उसकी जो है कुछ सेटिंग्स है, ठीक है, या आप यहाँ से इसकी जो है लोकेशन जहाँ पे आप जो PDF आपके पास जो बनेगी उसकी लोकेशन जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करके हमारे पास जो
SSM पोर्ट इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करके पब्लिश में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं पब्लिश टू PDF कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करके, तो हमारे पास जो है ये प्रिंटिंग और पब्लिश जब इज प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड। ओके, सो हमारे पास जो है ये जितने भी शीट्स होंगे वो हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रहा है, पब्लिशिंग जॉइन इन प्रोग्रेस। तो ये जब कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास जो है जितने भी शीट्स होंगे हमारे पास वो हमारे पास जो है PDF फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएंगे। दूसरे तरीके कि आप इसको डायरेक्ट जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके पब्लिश के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप पब्लिश टू प्लॉटर आप इसको डायरेक्ट भी जो है वो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी शीट्स थे वो PDF फॉर्म में हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप वहाँ से डायरेक्ट पब्लिश टू प्लॉटर या प्रिंटर करेंगे तो आपके पास जितने भी शीट होंगे वो प्रिंट होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आई होप के जो शीट सेट का जो शीट सेट मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट था वो आप सीख चुके होंगे कि हम किस तरह AutoCAD में शीट सेट मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको कम्प्लीटली गाइड और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़।